नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर जिले के नटौर थाना क्षेत्र के बालापुर इलाके में देर रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जनवाड़ी केंद्र की दुकान में चोरी करने आए दो बदमाशों की ग्रामीणों से मुठभेड़ हो गई। ग्रामीणों व बदमाशों की देर रात हुई मुठभेड़ से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया तो एक ग्रामीणों द्वारा चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पकड़ा गया बदमाश शातिर किस्म का है जिसके ऊपर 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिसको पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बिजनौर के नटौर थाना क्षेत्र के बालापुर इलाके में दो बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इसी बीच बदमाशों की चोरी करते हुए लाइव फुटेज दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए जिसके बाद दुकान का मालिक ग्रामीणों को लेकर दुकान पर आ गया जहां बदमाशों और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों द्वारा ग्रामीणों पर फायर किया गया। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा सेल्फ डिफेंस में बदमाश पर फायर किया गया जिसपे बदमाश चांद उर्फ छुन्नू निवासी चांदपुर पतियापाड़ा को गोली लग गई और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि देर रात दो बदमाशों द्वारा दुकान में चोरी की जा रही थी। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद बदमाशों व ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश को ग्रामीणों की गोली लग गई। पकड़ा गया बदमाश शातिर किस्म का है जिसके ऊपर 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी कड़ी में दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है। कल रात नटौर थाने पे के अंतर्गत नटौर और नूरपुर रोड पर एक लोकवाणी केंद्र है जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो आधार कार्ड और तमाम तरीके के जो इस तरह के कागजात हैं उनको वो बनाते हैं। उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है और उसका सीसीटीवी कैमरे का अलर्ट जो है उनके मोबाइल से जुड़ा हुआ है। और कल रात में करीब 4 बजे उनके यहाँ कुछ बदमाश आए और उन्होंने सीसीटीवी को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जिससे कि वो वहाँ चोरी कर सकें। जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी को छुआ उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका अलर्ट जो है वो उनके मोबाइल पे आ गया और उन्होंने आसपास लोगों को इकट्ठा करके जगाया और उसके बाद जो है जो बदमाश दो बदमाश थे वो भाग रहे थे उस पर उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर भी किया और जिससे वो एक बदमाश को उसमें घायल भी हुआ और जिसने आगे जाकर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसमें से एक बदमाश भागने में सफल रहा। और जो बदमाश जिसको गोली लगी थी जिसको बाद में पकड़ लिया गया वो काफ़ी कुख्यात बदमाश है जो चांदपुर का रहने वाला है। उसके बाद कई मुकदमे हैं और वहाँ से वो लूट के मुकदमे में वांछित भी था। अब इसमें सारी कार्रवाई हो गई है और इसमें एक अभियुक्त भी फरार है। मुकदमा कायम करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।